हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अलार्म रिंगटोन सेटिंग को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये अलार्म रिंगटोन सेटिंग जो है ना, चेंज होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये साउंड एंड वाइब्रेशन, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये अलार्म रिंगटोन का, अलार्म रिंगटोन पे आपको इसे सिलेक्ट करना है। अब अलार्म रिंगटोन का पेज ओपन होगा ना, आपको यहाँ पर जो है ना कोई सी भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं आपको इसमें फर्क बता देता हूँ। देखिए, ऊपर में आपको कस्टम रिंगटोन दे रखी है और नीचे में आपको सिस्टम रिंगटोन दे रखी है, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन ऑप्शन में जाके आप, ठीक है। तो आपकी अलार्म रिंगटोन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ इनके बीच में। ये जो सिस्टम रिंगटोन में जो कैटेगरी में आपको जितने भी रिंगटोन दे रखे ना नीचे, ये आपकी जो है ना थोड़ी सी लॉन्ग होता है, इनका साउंड जो है ना लॉन्ग होता है, लंबा होता है, ये आप देखिए, ठीक है। इसका साउंड ना लंबा होता है। अब आप ना ये कस्टम रिंगटोन सेलेक्ट कीजिए। कस्टम रिंगटोन के पेज में आएंगे ना, यहाँ पर अगर आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे ना, इनका साउंड शॉर्ट होता है, यानी कि छोटा होता है, ठीक है। साउंड ज़्यादा लंबा नहीं होता इनका, बस इतना ही होता है, ठीक है। तो ये सेटिंग ना आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप इस पेज में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी कस्टम अलार्म रिंगटोन सेटिंग ना आपकी चेंज हो जाएगी। अब ये चेंज होने के बाद काम कैसे करेगी, जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन पे अलार्म सेट करेंगे ना, तो आपका अलार्म जो है ना ये वाली रिंगटोन क्रिएट करेगा जब वो अलार्म अपने समय पर ऑन होगा, ठीक है। ये सेटिंग ऐसे काम करेगी, ठीक है। अब मैं आपको ये अलार्म रिंगटोन सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फ़ोन में। इसके लिए आपको अपने फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आप सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है अलार्म रिंगटोन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना, यहाँ पर आपको पूरा टाइप करना है। तो आपको नीचे की साइड में ना एक ऑप्शन शो होगा अलार्म रिंगटोन का, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।